हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इनटू सीडी। इस लाइन एडी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी इनटू सीडी ये दिया हुआ है। प्रूव डैट एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एंगल बीएसी यहां पे 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी टू प्रूव एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूफ जो दिया हुआ है गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ए डी को यहाँ रख लिए, ठीक है, और बी डी सी डी में से किसी एक को नीचे ले आएंगे, किसी को भी ले आएंगे। बी डी आ गया नीचे तो सी डी यहाँ बच गया और ये ए डी आ गया नीचे। इससे क्या हुआ, ई डी अपॉन बी डी देखते हैं क्या है। ये ई डी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो इस फिगर में देख के इसका मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए इस फिगर को एक बार यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिए और दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ब्रेक कर दिए। ये ए बी डी, ये ट्रायंगल बन गया ए बी डी और ये ए डी सी, ये ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मतलब हो रहा है। ए डी अपॉन बी डी ये आ गया ए डी अपॉन बी डी। ए डी इस ट्राइंगल का और बी डी इस ट्राइंगल का, ठीक है। कभी भी हम लोग दो ट्राइंगल में साइड को प्रोपोर्शनल करके लिखते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम ट्राइंगल का साइड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी तो दोनों में ही आ रहा था, तो अगर बी डी लिए हैं तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है, यानी ये जो ए डी है वो ए डी इस ट्राइंगल का है, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी और ये हो गया सी डी अपॉन ए डी। सी डी आ गया ये सी डी अपॉन ए डी। तो इसमें क्लियर समझ में आ रहा है अगर हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी इस ट्राइंगल का साइड अपॉन बी डी इस ट्राइंगल का साइड इज इक्वल टू सी डी इस ट्राइंगल का साइड अपॉन ए डी इस ट्राइंगल का साइड। तो क्या दिख रहा है इसको देख के यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल में दो साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो, एक दो ट्राइंगल आपस में जुड़ा हुआ हो, तो हम फिगर को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख के समझ में आ रहा है कि ए डी बी डी के प्रोपोर्शनल है, जो ए डी है वो बी डी के प्रोपोर्शनल है और जो सी डी है वो ए डी के प्रोपोर्शनल है, और दोनों में ही एंगल 5 और 4 दोनों एंगल 90 डिग्री का है ऑल्सो। तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल नाम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल लिखते हैं मान लो बी डी ए, इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल। तो दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे, बी डी ए लिए हैं तो इस ट्राइंगल का जो साइड बी डी है वो इस ट्राइंगल में कौन से साइड के प्रोपोर्शनल है, बी डी जो है वो ए डी के प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा ए डी सी एंड ए डी सी। और यही नाम लिखना यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इस फिगर को देख के, ठीक है। तीन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल ए डी सी ये हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी प्रूव्ड अबव एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल बी डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाई ए ए सिमिलरिटी, सॉरी ए सिमिलरिटी नहीं एस ए सिमिलरिटी। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर नहीं होगा, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर होगा, और जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों एंगल 1 3 के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, जो ये लेटर आ रहा है ना इस ट्रायंगल में, हम नाम लिख रहे हैं बी डी ए, बी डी ए से स्टार्ट किए, तो इस ट्रायंगल का पहला लेटर कौन है, बी। तो इस ट्रायंगल का पहला जो बी है वो सी के बराबर नहीं होगा, हम बी डी ए और सी डी ए नहीं लिखे हैं, बी डी ए इज इक्वल टू ए डी सी। तो ये जो एंगल 6 है ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया। दोनों को एडिंग कर लेंगे हम दोनों को, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1 और इसको 2। तो एडिंग 1 एंड 2 तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 और 2 मिलके क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया BAC, मतलब एंगल A बोल सकते हैं हम इसको, एंगल A, और इक्वल टू एंगल 3 कौन है, एंगल C, और एंगल 6 कौन है, एंगल B, उसके प्लेस पे हम एंगल B लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस C आ गया। हमारा टारगेट क्या, लाना क्या है इस एंगल को, एंगल BAC बोले या सिर्फ एंगल A बोले, एंगल A पे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एंगल B प्लस C का क्या वैल्यू होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगल A लिखा रहता प्लस एंगल A, तो A, B और C मिलके तो तीनों 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एड एंगल A ऑन बोथ साइड। तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इधर में B और C पहले से था, एंगल A हम जोड़ दिए, तो ये एंगल A प्लस एंगल A बन गया 2 टाइम्स एंगल A, और ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C के बदले हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, 2 को यहाँ से हटाएंगे, तो एंगल A इक्वल टू 180 बाई 2 ये आ जाएगा 90 डिग्री। इसको हम पूरा नाम लिख देते हैं, एंगल A का पूरा नाम था एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।